हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कस्टम व्यू ऑप्शन को। ओके, आप देख सकते हो यहां पे राइट किया मैंने कस्टम व्यू। अब यह ऑप्शन कहां होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और क्या इसका उपयोग है आज की इस वीडियो में, सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, कस्टम व्यू की मैं बात करूँ तो कस्टम व्यू जो ऑप्शन होता है उसकी शॉर्टकट जो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने राइट किया है अल्ट प्लस डब्लू प्लस क्या होती है सी होती है। अल्ट प्लस डब्लू प्लस सी से क्या होता है कस्टम व्यू आपका स्टार्ट होता है। कस्टम व्यू क्यों बनाते हैं पहले इसको सुनो आप यहाँ पे। ठीक है, ओके, कस्टम व्यू हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग जो भी कुछ आइटम यहाँ पे बनाते हैं अपने एक्सेल में, मान लीजिए कि कहीं भी हमने इस तरह से आइटम यहाँ पे अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से क्रिएट कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं कस्टम व्यू का उपयोग करूँ इस एरिया का जो भी नाम मैं यहाँ पे रखूँ उस नाम पर जाने के बाद मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे ऑटोमेटिकली जा सकूँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग कस्टम व्यू का उपयोग करते हैं और कस्टम व्यू को उपयोग करने के लिए हमें अल्ट प्लस डब्लू प्लस सी का शॉर्टकट का उपयोग करना पड़ता है। आइए सीखते हैं, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि जो भी कुछ मैं बताऊँ आपको इस कस्टम व्यू के बारे में वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं सब यहाँ पर और कस्टम व्यू को बना के देखते हैं। तो शॉर्टकट क्या मैंने राइट किया है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस क्या सी। तो अगर इस एरिया का मुझे कस्टम व्यू बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस सी बटन को प्रेस करना होगा। तो देख सकते हो मैंने ऑल्ट बटन को अभी प्रेस कर दिया हूँ, मैं फिर डब्ल्यू को प्रेस कर दिया हूँ, इसके बाद सी को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कस्टम व्यू नाम का एक यहाँ पर ऑप्शन आपको खुल के मिल चुका है। इसमें देखेंगे तो व्यू में भी कुछ नहीं दिख रहा है, शो में भी ये बंद है बटन, क्लोज यहाँ पे स्टार्ट है और ऐड स्टार्ट है, डिलीट में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें व्यू का नाम यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि इस एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, अब मुझे इसका सबसे पहले नाम डिफाइन करना है। तो ठीक है, नाम डिफाइन करने के लिए ऐड पर क्लिक करना पड़ता है आपको, और जैसे ही ऐड पर क्लिक करोगे ना तो कह रहा है कि नेम डालो पहले इस एरिया का, जो नाम आप जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल दो। मैं यहाँ पे नाम को याद रखने के लिए मैंने इसका नाम वन डाल दिया। ओके, और ओके लिए बटन पे करूँगा क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका नाम यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, यानी कि मैं इसका जो है कस्टम व्यू बना चुका हूँ। मैंने क्या बनाया अभी कस्टम व्यू को ही ना, तो इस एरिया का नाम मैंने कस्टम व्यू में डाल दिया है। ठीक है, अब इस एरिया के नाम को भी आप डालना है तो पहले इसे सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको अल्ट बटन को प्रेस करना है यहाँ पे, फिर डब्लू को दबाना है, इसके बाद सी को प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे तो जो नाम आपने इसका दिया था ना वो देखोगे तो नाम यहाँ पे दिख जाएगा वन के नाम से। अगर सपोज दैट आपको दूसरा नाम ऐड करना है तो फिर से आप ऐड पर क्लिक कर दो और फिर आप इसका नाम सेकेंड रख सकते हो, ये देखो ऐसे, और ओके वाली बटन पर क्लिक करोगे तो अब इस एरिया का नाम सेकेंड पड़ गया है। मतलब इस एरिया का नाम क्या मैंने डाला था वन डाला था यहाँ पे, और इस एरिया का नाम क्या मैंने पुट कर दिया सेकंड कर दिया। ऐसे ही मेरे पास एक लास्ट एरिया जिसका नाम यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अल्ट बटन को दबाता हूँ, फिर डब्ल्यू को प्रेस करता हूँ, फिर इसके बाद मैं सी को प्रेस कर देता हूँ। आप देखो कि दोबारा से कस्टम व्यू का जो ऑप्शन है खुल चुका है। यहाँ पर दो व्यू मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया वन और सेकेंड के नाम से। अब मैं ऐड पर क्लिक करूँगा और इसका नाम थर्ड रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से थर्ड मैंने डाल दिया और ओके वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों व्यू मैंने बनाया था इनके मैंने नाम यहाँ पे क्या किया है रख दिया है। सिंपली अगर मुझे अब किसी भी व्यू पे अगर जाना होगा ना तो मुझे कुछ करना नहीं है, सेम अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस यहाँ पे डब्ल्यू उसके बाद सी को ही प्रेस करना है। जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल के ऐसे मिल जाएगा। आपको जिस एरिया पे सेलेक्ट करके आपको पाना है, मतलब कि जिस एरिया पे आपको जाना है, सिंपली उस एरिया के नाम को सेलेक्ट कर लो। जैसे इसका नाम वन रखा था तो मैं शो पे क्लिक करूँगा तो यही सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्लिक करते ही आप देखो ये आपको सेलेक्ट मिला। अगर मैं फिर से अल्ट को दबा के डब्ल्यू को दबा के सी को प्रेस कर दूँ और सेकेंड को सेलेक्ट करूँगा तो अभी बताओ फर्स्ट सेलेक्ट है, लेकिन अभी देखेंगे जब मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूँगा तो सेकेंड वाला ए वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखो सेलेक्ट हो गया कि नहीं यहाँ पे सेकेंड। इसी तरीके से अगर आपको ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है तो फिर से आप अल्ट को प्रेस करो, फिर डब्ल्यू को प्रेस कर दीजिएगा, इसके बाद सी को प्रेस कर दीजिएगा, फिर से देखोगे तो वही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप थर्ड पे जाना चाहते होगे तो सिंपल है, बिल्कुल थर्ड को सेलेक्ट कर लो और शो पे क्लिक कर दो। आप देखो तीसरा जो एरिया आपने नाम दिया था ये सेलेक्ट हो चुका है। तो क्या समझा आपने, कस्टम व्यू के माध्यम से किसी भी एरिया का आप नाम वहाँ पे दे सकते हो और इजीली फिर आप उससे इस शॉर्टकट के मदद से
जो आपके सामने अल्ट डब्ल्यू प्लस सी दिख रहा है जा सकते हो। अल्ट को दबाया, डब्ल्यू को दबाया, इसके बाद मैं सी को दबाता हूँ तो देखो फिर से वही ऑप्शन आपको मिल चुका है। अगर सपोज दैट इसके नाम को आप नहीं रखना चाहते, इसे डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। ये देखो डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे कह रहा डू विश टू डिलीट व्यू ऑन, यस मैंने यस कर दिया, देखो डिलीट हो गया। सेकेंड को सेलेक्ट करके डिलीट करना है, डिलीट कर दो हो जाएगा। थर्ड को क्लिक करके डिलीट करना है, डिलीट कर दो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम दे भी सकते हो और इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप आप लोग को कस्टम व्यू ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। अगला ऑप्शन आप जब देखोगे यहाँ पे, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कमेंट के बारे में। कमेंट के इतने सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे देख सकते हो राइट किया है, जो आपको नीचे तक यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन सभी का क्या क्या मतलब है देख सकते हो यहाँ पे। शिफ्ट प्लस एफ टू से होता है इंसर्ट कमेंट। मैं एक बार सबसे पहले कमेंट को इंसर्ट करता हूँ, जैसे सेकंड लिखा गया यहाँ पे कमेंट इंसर्ट करना है, तो शिफ्ट दबाओ और एफ टू को दबा दो। आप देखो यहाँ पे कमेंट इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में जो कुछ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसी तरीके से आप सेकंड पे अगर लेना है तो शिफ्ट बटन को दबाओ, एफ टू को दबा दो, इसमें भी कमेंट आप राइट कर सकते हो। इसी तरीके से इस वर्ड पे लेना है तो शिफ्ट प्लस एफ टू बटन को प्रेस कर दो। आप देखो कमेंट को यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ से लगा भी सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमेंट लग चुका है। कौन से शॉर्टकट्स लगाए मैंने? मैंने यहाँ पे लगाया शिफ्ट प्लस एफ टू के मदद से लगा रखा है। देख सकते हो शिफ्ट प्लस किसके मदद से लगाया है, एफ टू के मदद से मैंने ऐसा किया है। ओके, अब थोड़ा सा देखो कि आप अगर कमेंट को डिलीट करना है तो क्या करना है, शॉर्टकट है अल्ट प्लस आर प्लस क्या है यहाँ पे डी। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, जैसे इस कमेंट को मुझे हटाना है तो सेलेक्ट करूँगा अल्ट आर प्लस डी, तो अल्ट को दबाया, आर को दबाया और डी को दबा दूंगा। ये देखो यहाँ पे कमेंट देख सकते हो आप यहाँ पे हट गया है। इसको भी हटाना है तो अल्ट बटन को दबाओ, आर को दबा दो। ठीक है, अब देख लो आर के साथ आपको क्या दबाना है, डी को, तो आर दबाया और डी को दबाया, देखो कमेंट हट गया। फिर से आप इसको हटाना चाहते हो तो अल्ट आर प्लस क्या डी बटन को प्रेस कर दो। तो आप देखो सारे के सारे कमेंट यहाँ से हट चुके हैं। तो कमेंट लगाना है तो शिफ्ट प्लस एफ टू एक्सेल में यूज कर सकते हो, और आप अगर डिलीट करना है तो अल्ट प्लस आर प्लस डी का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर कमेंट के प्रीवियस या नेक्स्ट में जाना है तो आप ये सब शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हो। एक बार फिर से कमेंट को इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट को दबा के एफ टू, यहाँ पे भी शिफ्ट को दबा के मैं एफ टू, और यहाँ पे भी शिफ्ट दबा को, यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं एफ टू को दबा देता हूँ। तीन कमेंट हो गया। अब मुझे अगले कमेंट पे जाना है तो क्या प्रेस करूँगा, जैसे एक कमेंट सेलेक्टेड है देख सकते हो, मुझे सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस कमेंट पे जाना, तो मैं तीसरी कमेंट को सेलेक्ट करके रखा हूँ, ये वाली कमेंट आप देख सकते हो बिल्कुल लास्ट में लगाया मैंने, इसको सेलेक्ट करके रखा हूँ, अल्ट बटन को दबाया, आर को दबाऊंगा यहाँ पे और केवल बी को प्रेस करूंगा, तो इससे पहले वाली कमेंट पे आप चले जाओगे। ये देखो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर से अगर मैं अल्ट को दबा के आर को दबा के यहाँ से और बी को दबाऊंगा तो अगले वाले कमेंट को देख सकते हो, यहाँ पे कमेंट सेलेक्ट हो रहा है। आप देखो ये कमेंट इस समय सेलेक्टेड है। अगर मैं फिर से अल्ट दबा के आर दबा के बी प्रेस करूंगा तो फर्स्ट कमेंट पे चला जाऊंगा। देखो आप यहाँ पे इस कमेंट पे यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे अगर अगले कमेंट पे जाना है तो अल्ट आर के साथ एन बटन को दबाना है। नेक्स्ट पे आ गए, अल्ट आर एन, ये देखो नेक्स्ट। तो जिस कमेंट पे आप जाना चाहते हो उस कमेंट पे आप अल्ट आर एन से आगे जा सकते हो, इससे पीछे जा सकते हो। अगर कमेंट को हाइड करना है तो हाइड करने के लिए अल्ट आर प्लस क्या दबाना है, एच को प्रेस करना है। मैं इस कमेंट को हाइड करना चाहता हूँ बीच वाले को, या फिर मैं किसी को भी हाइड करना चाहता हूँ जैसे नीचे वाले को, तो अल्ट दबाऊंगा, आर दबाऊंगा, इसके बाद एच प्रेस कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे हाइड हो चुका है अभी। ठीक है, मुझे इसको हाइड करना है, कर्सर रखाऊंगा यहाँ पे, अल्ट दबा के आर दबा के एच दबा दूंगा, ये भी हाइड हो जाएगा देख सकते हो। फिर इसको हाइड करना है, अल्ट दबा के आर दबा के एच दबा दूंगा, ये भी हाइड हो जाएगा। ऐसे सभी कमेंट को देखना है, अल्ट के साथ यहाँ पे आर बटन के साथ ए प्रेस कर दो, सारे कमेंट देख सकते हो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ऐसे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाया वो अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।